तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं VVMI का प्रोग्रामिंग, और VVMI का प्रोग्रामिंग पे हम डिस्कस करेंगे एक प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जो है रमन कांत जी का है, जो हमारे ऐप यूजर है और ऐप के चैट बॉक्स में मुझे डाला है, और बहुत अच्छी चीज है। मैं सोचा कि आपके साथ सचिन जी डिस्कस करूं, क्योंकि तो उस प्रोजेक्ट में VVA का अच्छा खासा यूज है और रियल टाइम प्रॉब्लम है, तो रियल टाइम प्रॉब्लम का भी आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। ओके ओके सर। वो बेसिकली उन्होंने मुझे चैट बॉक्स में, मेरे ऐप के जो चैट बॉक्स है उस चैट बॉक्स में उन्होंने दिया है। आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है ना सर? तो प्रॉब्लम है कि उनके पास कुछ इस तरह के दिख रहा है आपको सर? हाँ सर दिख रहा है। हाँ, ये तो डेटा है, इसमें ईमेल आईडीज हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें ईमेल आईडी जो है वो बहुत सारे ईमेल आईडीज हैं जी। यहाँ पे बहुत सारे ईमेल आईडीज हैं। अभी ये सारे ईमेल आईडीज को उनको अलग करना है, ठीक है? तो बोलेंगे सर इसमें कौन सा बड़ी बड़ी बड़े थे, उसको अलग करके कुछ इस फॉर्मेट में बनाना है, जो यहाँ फॉर्मेट दिख रहा है ना, इस फॉर्मेट। क्योंकि इस ईमेल आईडी, इस डेटा में प्रॉब्लम क्या हो रही है, इस डेटा में प्रॉब्लम हो रही है कि ईमेल आईडी जो है, इसमें जो डेटा है हमारा बाबत के हाइपरलिंक लगा है, इसलिए क्लिक हो जाता है सर। तो यहां आप आते हैं तो इसमें जो है हमारा ईमेल आईडी वो जो है यहाँ पे एक में। सबसे पहले मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके एक नई शीट पे जाता हूँ और इस पे वैल्यू पेस्ट करता हूँ, ताकि ईमेल आईडी का जो हाइपरलिंक लगा हुआ है वो हट जाए, ताकि बार बार जो क्लिक होता है वो क्लिक ना हो। इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ। तो प्रॉब्लम समझ में आया, करना क्या है? नहीं सर। करें तो मैनुअल क्या करते हैं, वो कि इसको सेलेक्ट करते, मैं इसको एक अलग सीट पे मैनुअल करके दिखाता हूं कि मैनुअल क्या कैसे होता है। इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको जाते हैं डेटा मेनू बार, वो जाते हैं टेक्स्ट टू कॉलन, और टेक्स्ट टू कॉलन में नेक्स्ट, और यहां पे अदर में आते हैं और इस सेमी कॉलन को लेते हैं, ठीक है? या भी ऊपर सेमी कॉलन है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट एंड फिनिश। अलग अलग सेल में आ जाता है, ठीक है सर? कई सेलों में चला गया है। इसको सबको एक जगह पे कंबाइन करते हैं, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। आप क्रिटिकल वर्क करें सर? यस सर। हेलो हेलो, सुन रहा हूँ मैं। काफी क्रिटिकल वर्क है ना सर, क्या बोल रहे हैं? अब ऐसे हो सकता है उसमें 10, 20, 50 ईमेल आईडी भी। एक सेकंड सर, प्लीज होल्ड पे रहिए सर, एक सेकंड बस। यहाँ पे मतलब कि इसमें कितने, इसमें ईमेल आईडी कई सारे हो सकते हैं। सबसे पहले पता करना है कि इसमें टोटली ईमेल आईडी है कितना, बात समझे? हाँ सर। ईमेल आईडी है कितना पहले पता करना है। सर टेक्स्ट टू कॉलम से हम लोग इसको हट करा सकते हैं ना? इसको टेक्स्ट टू कॉलम से इस तरह से हो जा रहा है ना सर, फिर इसे इसको सबको कॉपी पेस्ट करना है, इसको पेस्ट करके एक इंच नीचे आगे पेस्ट करना होगा सर। ओके, हमें एक सीक्वेंस में चाहिए, अरे दिखाया था ईमेल आईडी का, एक सीक्वेंस होना चाहिए, इस तरह से सीक्वेंस होना चाहिए। अलग अलग सेल में डाल देता है, अलग सेल में नहीं चाहिए, ठीक है? इसमें हम लूप का इस्तेमाल करेंगे, और जो कॉलन है कॉलन के बिहाफ पे सबको अलग करते चले जाए। हेलो, चलिए बताता हूं कैसे करना है।
एक सेल को करते हैं, ठीक है ना, ए थ्री सिर्फ एक को करते हैं, फिर बाकी को कर लेंगे। ओके सर। तो यहाँ पे हम जाते हैं मॉड्यूल्स में, सब्जेक्ट, यहाँ पे लेते हैं डिम ईमेल EMHA स्ट्रिंग एम इक्वल टू रेंज, आपका हो जाएगा मान लीजिए A3 डॉट वैल। फाइंड करना पड़ेगा कि इसमें ईएन, इसमें सेमी कोलन है कितना, ठीक है ना। तो इंटीजर, और यहां पे एस इक्वल टू लेन एस माइनस वापस लेन, और इसमें हमने कॉमा लगाया रिप्लेस का। रिप्लेस का फॉर्मूला होता है, एक समय सब्सिट्यूट होता है, रिमेन रिप्लेस होता है। हाँ सर। तो यहाँ एस, मुझे एस में से क्या फाइंड करना है, सेमीकॉलन। किससे करना है, तो हमने बोल दिया इससे पता चलेगा कि आपका इसके अंदर आखिर ईमेल आईडी है कितना। इसका इस सेंटेंस का थोड़ा मतलब बताइएगा सर, जो लेंथ हमने दिया है। हमने बोला लेन मतलब किसकी लेंथ बता, तो पता चला 93 है। फिर मैं बोला हूँ सब्स्टिट्यूट, और सब्स्टिट्यूट में हमने बोला कि इसमें जाओ सेमी कॉलन को ब्लैंक से रिप्लेस कर दो। अच्छा, हटा दिया। देन मैं लेन लगाया, लेन से पता किया कि कितने, और फिर मैं इसमें से 93 में से 90 को हटा दिया, मतलब कि इसमें चार ईमेल आई, एक ज्यादा होता है, तीन सेमी कॉलन है ना, एक दो तीन, लेकिन ईमेल आईडी चार होगा, जितने सेमी उससे एक ज्यादा ईमेल आईडी। बात समझा? ठीक है सर। ये सेम चीज हमने यहाँ पे किया होगा। तो यहाँ पे हम प्लस वन कर देता हूँ, पता चल गया। देन आप लूप लगाता हूं कि 4i इक्वल टू चले 1 2 s, यहां हमें क्या करना है, यहां पे हम करना है हमें ईएम नहीं, यहाँ पे ईमेल आईडी के लिए एक अलग सिस्टम बनाना पड़ेगा हमें। होगा एम इक्वल टू यहाँ पे लेफ्ट किससे लेना है, तो हमें लेना है इससे, किसमें से लेना है, हमें लेना है ईएम से, ईएम कितना लेंथ चाहिए, तो हमने लेंथ के लिए यहाँ पे लगाया हुआ है इन एस टी आर 3756 स्टार्ट ओटीपी 3756। प्लीज सर, इन एस टी आर स्टार्ट वन से होगा, और किस, सॉरी सर, है तो ईएम में, और क्या ढूंढना है तो सेमी कॉलन। समझे क्या किया इसने, हमने फॉर्मूला लगाया फाइंड का, किसका लगाया, फाइंड। इन एस टी आर क्या होता है, फाइंड होता है कि इसमें सेमी कॉलन को ढूंढो स्टार्टिंग से। 25 दे दिया सेमी कॉलन, मैंने बोला लेफ्ट का फॉर्मूला लगाओ और इसमें से 25 माइनस वन को अलग करो। आ गया सर, समझे? जी ट्वेंटी फाइव माइनस वन को लोग एन पे आ गया ए, और फिर हम यहां मान लीजिए बी में डालना चाहते हैं, तो हम करते हैं रेंज
P65000.n और यहां पे एक्सेलस अप डॉट ऑफसेट 1.0 डॉट वैल्यू इक्वल टू एम और फिर यहां पे ईएम इक्वल टू रिप्लेस रिप्लेस ईएम में से इसमें से माइनस वन नहीं करना है बेसिकली यहाँ पे दिक्कत हो गया क्योंकि तो हमें सेमी कॉलन इसमें सेमी कॉलन के साथ चाहिए ताकि मैं यहाँ उसको मैं डिलीट कर सकूं तो ये प्रोसीजर चलेगा तो एक बार मैं इसको रन करके देखता हूँ ओके ओके मैं राइट नहीं मुझे लेफ्ट का होमवर्क लगाना है यहाँ पे लेफ्ट उमंग नहीं दे रहा है कर तो रहा है लेकिन गलत कर रहा है इसको एक बार देखते हैं कहां गलत हो रहा है इसको मैं F4 लगाता हूं तो पता चलेगा एफेक्ट करता हूँ वन बाय वन रेड करता हूँ तो ईएम ईएम के ऊपर आ गया पूरा ईमेल आईडी चलिए एस इसने काउंट निकाला दो अच्छा यहीं पे प्रॉब्लम हो रही है यहीं पे प्रॉब्लम हो रही है इसके अंदर जो ए सेमी यहाँ पे सेमी कॉलन है लेकिन उसके बाद ये भी तो सेमी कॉलन है भी सेमी कॉलन है एक भी नहीं कर पा रहा है लेन एस रिप्लेस तो सॉरी सॉरी यहां पे मैंने एस दे दिया हुआ मुझे यहां ईएम देना चाहिए था यहां पे छोटा गलती हो गया वर्क करेगा यहाँ पे क्या दिक्कत है यहाँ पे फोर आया इन एसटीआर रिजल्ट नहीं दे रहा अच्छा चौथा इसने निकाला है
यहाँ पे दिक्कत हो रही है चौथे की, तो इसमें जो हमने प्लस वन कर रखा है ये प्लस वन ना करके हम इसके साथ हम कंबाइन कर देते हैं लास्ट में सेमीकोलन लगाने के लिए। अभी यहां पे हमारा रिजल्ट प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये चारों आ गए सर, ये समझ में आया सर आपको सचिन जी? नहीं सर, एक बार दोबारा समझा दीजिए। देखिए सिंपल से बात समझिए, हमारे पास जो डेटा है इस डेटा के अंदर मुझे क्या करना है कि जितने भी सेमी कॉलन्स है उसके बाद की ईमेल आईडी को अलग करो, सेमी कॉलन से पहले की। तो हमने सबसे पहले एक टेबल लिया ईएम का और उसके ऊपर स्टोर कर दिया। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसके लास्ट में, क्योंकि अगर मैं इस पे काउंट करना है मुझे कि कितने नंबर ऑफ ईमेल आईडी में अवेलेबल है ताकि उतना बार लूप चले, तो आप देखेंगे कि सेमी कॉलन आ रही है ना, और जैसे ताकि हर सेमी कॉलन से पहले की लेनी है तो यहां तक तो मैं ले लूंगा, बट ये तो नहीं आएगा क्योंकि इसके आगे तो सेमी कॉलन है ही नहीं। नहीं तो हमने क्या किया, एक सेमी कॉलन यहाँ पे अपने तरफ से लगा दिया। ठीक है, ठीक है सर। हमने काउंट किया कि कितने नंबर ऑफ ईमेल आईडी है, तो हमने बोला कि कंप्लीट ईएम का पूरा लेंथ लो, कितना ईएम है उसमें से माइनस करो सेमी कॉलन को डिलीट करे कितने लेंथ है। रिप्लेस क्या करता है, सेमी कॉलन को डिलीट कर दे रहा है, मतलब हाँ सर। सुजीत कुमार, सुजीत में टी मान कितने टी है, तो सुजीत में से टी हटा, पहले सुजीत की काउंट ले लो, फिर सुजीत में टी हटा लो, फिर उसकी काउंट ले लो, फिर दोनों को माइनस कर दो। हाँ सर, सेम चीज हमने यहां किया। इससे हमें पता हुआ कि हमें लूप कितना बार रन करना है, तो हमें लूप रन करना है आई वन टू एस, मतलब कि जितना काउंट है। फिर यहाँ पे हमने लेफ्ट का कॉमा लगाया, अब यहाँ पे इन एस टी आर होता है। इन एस टी आर क्या करता है, एक्सेल के फाइंड फॉर्मूले की तरह होता है कि फाइंड करता है कि सेमी कॉलन का पोजीशन कितना है। इसने बताया कि 25 है, माने कि 25वां करेक्टर, ये जो 25वां करेक्टर दिख रहा है ना सर, ये आपका सेमी कॉलन है। तो मैंने बोला कि लेफ्ट इसमें से 25वां करेक्टर अलग कर दो। आ गया सर? अच्छा, तो सेम चीज मैंने यहां पे किया कि एन 25वां करेक्टर को अलग कर दो, वहां पे फाइंड था, यहां पे इन आ गया। और फिर उस 25वें करेक्टर को पी के या नीचे एक के नीचे डाल दिया, या हमने पी 65000 डॉट एक्सेल ऑफसेट डॉट वैल्यू कर दिया। अब बोले सर पी यहां पे लेफ्ट का फॉर्मा क्यों लगाया, क्योंकि आप यहां देख रहे हैं ना, यहां सेमी कोलन भी लगा हुआ है ना, मुझे इस चाहिए तो नहीं चाहिए, हाँ नहीं चाहिए, तो मैं बोला लेफ्ट और इसकी कंप्लीट लेन जो है मेरे से एक कम करके लेफ्ट से अलग कर दो, माने कि 25 जो है ना मुझे 24 अलग कर दो। ठीक है सर, आ गया। तो सेम चीज मैंने यहां पे किया हुआ, लेफ्ट एम एम में से हटा कर लो। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि अब मैं तो ये निकाल चुका हूं ना, अग्रवाल मेटल डॉट कॉम ये तो निकाल चुका हूं मैं, मैंने निकाल चुका हूं तो मैंने उसको हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, डिलीट कर दिया, क्योंकि पहला देता है ना सर। अगर मैं इसको यहां यहां डिलीट नहीं करूंगा तो क्या होगा, अगेन टाइम अग्रवाल की ईमेल आईडी आ जाएगी। इसलिए हमने बोला कि ईएम में से एम को, मतलब जो हमने यहां डाल चुके हैं ना यहां पे रेंज पे, उसको डिलीट कर दो रिप्लेस से। तो डिलीट कर दिया, अग्रवाल डिलीट हो गया, तो फिर अगेन जब यहां फाइन लगेगा तो दूसरी ईमेल आईडी आ जाएगी, क्योंकि अग्रवाल तो डिलीट हो चुका है ना। ओके, और ये वाला बता दीजिए सर, जैसे कि INSTR वाला जो आपने बताया, हाँ, कि ये फाइंड जैसा होता है, फॉर्मूला किसी एक टेक्स्ट के अंदर किसी एक करेक्टर को ये करता है, फाइंड करता है, बताता है कितने नंबर करेक्टर पे है। तो VBA में INSTR लगता है? हाँ जी हाँ, VBA में INSTR बोला जाता है इसको। ओके ओके, समझे?
वन मतलब स्टार्टिंग पोजीशन हो गया सर। जी हाँ, वन स्टार्टिंग पोजीशन हो गया, मैंने फाइंड यहाँ लगता है उसका उल्टा वहां लगता है, यहाँ सेमी कोलन रेंज और फिर वन आता है, यहाँ पे वन वन रेंज सेमी कोलन आता है। ठीक है सर, ठीक। तो एक सेल के लिए आ गया, अब मुझे बाकी सेल के लिए करना है तो क्या करेंगे छुट्टी तक है ना, एक मिनट ब्लैंक नहीं होना चाहिए सर, ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ब्लैंक होगा तो दिक्कत होगा, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट लगाना पड़ेगा। जी बाय, हैव ए क्या बोले सर? नहीं ठीक है सर, समझ गए। इसको आगे कैसे करेंगे सर, जैसे कि सारे को करना, ईमेल ईमेल्स को चेक करना है तो? हाँ, तो एक के लिए निकाल लिया तो वही चीज हम रिपीट कर देंगे, बट प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे ब्लैंक सेल है, तो अब मैं लूप में बताता हूँ कि ऑटोमेट कैसे किया जाएगा, ठीक है ना? दिख रहा है ना सर? आ दीजिए या फिर उस पर हमें ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट लगाना पड़ेगा। तो 1640 यहाँ दिख रहा है, तीन से चलना है, तो यहां एक लूप और लगाएंगे इसको, चले 3 2 ये यहाँ इसके ऊपर नहीं सर, माफ कीजिए ऊपर ही करना है, सबसे ऊपर ना, यहाँ से फोर जे इक्वल टू 3 2। अब मैं यहाँ पे 1648 लिख दूंगा, हो सकता है डेटा गलत में बढ़ जाए घट जाए, इसको भी डायनेमिक कर देता हूं। तो फिर मैं यहां देता हूं रेंज, रेंज में देता हूं ए 65,000 डॉट एन एक्सलेस अप डॉट रो, समझे? ऑटोमेट हो गया, जितना रो होगा उतना बार चलेगा, और जहां पे हमने ए 3 किया हुआ है बस वहां पे आपको एन परसेंट जे करना, समझ गया सर? हाँ सर, और कुछ नहीं करना है इसमें। मैं इसको एक बार रन करता हूं और मैजिक देखता हूं, बग डिबग इनवैलिड आर्गुमेंट कहां है? ये लगा तो दिया तुमने यहाँ पे, इसमें एरर आएगा सर कहीं कहीं पे, जहां पे ब्लैंक होगा ना, जैसे इसके अंदर वो ब्लैंक डाला होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी सर। ब्लैंक्स, हाँ ब्लैंक मतलब नहीं समझे, मुझे इसको कुछ वैल्यू ही नहीं है, दिख रहा है? तो इसके लिए हम यहाँ लगाना पड़ेगा ऑन एरर रिज्यूम स्टॉप करता हूं और फिर इसको रन करता हूं। और खुद से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है सर? ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके ओके सर, ओके सर, थैंक यू।